नहीं देखिए, ये हमारी मजबूरी नहीं, इसको आप हमारी मजबूरी नहीं समझिए, ये हमारी पॉलिसी है। हम हर एक जो इलेक्शन प्रोसेस होगी, चाहे वो लोकल बॉडीज होगी, चाहे वो म्यूनिसिपल इलेक्शन होगा, हम हर एक प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। किसी की भी नाराजगी नहीं है, ये एक शुराई फैसला है। अगर को किसी को ये फैसला पसंद भी ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमात में एक इस तरह का नज्म ज़ब्त है, वो भी फिर इस शुराई फैसले को मानने पे मजबूर हो गया। जी देखिए, मैं इसमें हर एक को जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। हमें जिस तरह से हर एक के सामने पेश किया गया, पूरी दुनिया के सामने जिस तरह से पेश किया गया, हमें मौका नहीं दिया गया अपनी सफाई का। हमें किसी इंस्टीट्यूशन ने नहीं कहा कि आप आके सफाई दो कि आप क्या हो। जो हमारी सूरत पेश की गई, जो हमें पेश किया गया लोगों के सामने, गवर्नमेंट के सामने, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के सामने, गवर्नमेंट ने वही माना कि हाँ, यही लोग हैं जो इनको पेश किया जा रहा है, लेकिन हम वो नहीं थे। हमें मौका नहीं दिया गया कि हम अपने आप को एक्सप्लेन करें कि हम क्या हैं। क्योंकि आप देख रहे हो कि वो खौफ जो यहाँ लोगों के जहनों और दिलों पे कायम था, वो खत्म हो रहा है। अब लोग इस जमहूरी अमल का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे भी लोग पढ़े लिखे और बावकार लोग हैं, उन्होंने कभी नहीं चाहा कि तशद्दुद का साथ दे। ये पुरामन लोग हैं और जमहूरियत को मजबूत करने जा रहे हैं। आपने कश्मीरी पंडितों के हवाले से क्या जो है वो हुकूमत को इस हवाले से संजीदा होना चाहिए। हमने पंडित भाइयों तक ये मैसेज पहुंचाई है कि हम आपके मुहाफिज बनना चाहते हैं, हम अपनी आंखें उनकी राहों में बिछाना चाहते हैं। हम आपसे वादा करते हैं, अगर हमारे पास दो ही कमरे हैं, अल्लाह की कसम एक कमरे में आपको बिठाएंगे और एक कमरे में अपने अयाल को रखेंगे। आप आइए और बाइज्जत और हमारे इस माशरे को, हमारे इस माहौल को मुअत्तर कीजिए। नहीं देखिए, ये हमारी मजबूरी नहीं, इसको आप हमारी मजबूरी नहीं समझिए, ये हमारी पॉलिसी है। हम हर एक जो इलेक्शन प्रोसेस होगी, चाहे वो लोकल बॉडीज होगी, चाहे वो म्यूनिसिपल इलेक्शन होगा, हम हर एक प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। हम उठे हैं तो हमेशा के लिए उठेंगे, हमारी पॉलिसी। अभी भी किसी ने बात नहीं की, लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने जिस तरह से पार्लियामेंट इलेक्शन में ये यकीन दहानी दिलाई कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, ये जिसके हक में वोट डाले गए उसके हक में से बैलेट बॉक्स में से वोट निकले और वो जीत गया, तो हमें एक यकीन दहानी मिली कि हाँ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने वाले हैं, तो हम भी हिस्सा लेने के लिए तैयार। किसी की भी नाराजगी नहीं है, ये एक शुराई फैसला है। अगर को किसी को ये फैसला पसंद भी ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमात में एक इस तरह का नज्म ज़ब्त है, वो भी फिर इस शुराई फैसले को मानने पे मजबूर हो गया। मेरी मैसेज कुलगाम के लोगों के लिए यही है कि आप इस इंकलाब का हिस्सा बनिए, आप उस इंसान को वोट ना दे जिसने यहाँ पे एक माफिया कायम किया हुआ है। हर कोई डिपार्टमेंट क्या ही ज्यादा परेशान है, और यहाँ के कंट्रैक्टर्स की मैं बात करूँ, उन्होंने अब काम करना छोड़ दिया है, क्योंकि चंद गुंडों को कंट्रैक्ट दिया जाता है और उन्हीं की गुंडागर्दी और उन्हीं की कोई माफिया यहाँ पे काम चला रहा है, कोई सब कुछ यहाँ का बजट खा रहा है। हमें तो बहुत सपोर्ट नजर आ रहा है, जीतने हारने की बात नहीं है, लेकिन लोगों का जिस तरह से हमें सपोर्ट मिल रहा है इस वक्त, तो हमें लग रहा है कि ये खुशाइंद बात है जमहूरियत के लिए भी, हमारे लिए भी। और जिस तरह से हम 6 साल के बाद मैदान में आ गए हैं, बैन के बाद जिस तरह से लोगों का खौफ हिरास था, और आज जिस तरह से लोग घरों से बाहर निकल के सामने आ रहे हैं, तो जो जोश खरोश देखने को मिल रहा है वो हमारे लिए बियॉन्ड एक्सपेक्ट ही होना चाहिए था। जो स्कूल का मसला है, बच्चों का मसला है, अभी भी हम